तो चलो अभी चलते हैं पीछे गार्डन पे। धोके रखा है ये? मुझे तो नहीं लग रहा है, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि तुमने ऐसे रख दिया है। आज मस्त धूप है यार, इतना दिन बारिश बारिश में अच्छा ही नहीं लग रहा था। और देखो गाड़ी का कवर भी यहाँ पे टांग दिया क्योंकि ये इसकी ये भीग गया था। माधव ये सोने वाला था, सोया क्यों नहीं? तो देखो सारा खेत देखो कहाँ पे आ गया, धनिया का पौधा। इसको पकड़ो, एक चीज करूंगी मैं। कपड़ा हटा दिया है मैंने, तो ये कपड़ा इसलिए हटाया क्योंकि ना मुझे फिर से अंदर जाना पड़ेगा क्योंकि ना चाय भी ठाक रखा है तो वो फ्लेम बहुत ही बड़ा हुआ है, एकदम डाउन कर दिया। अब आने के बाद देखेंगे कि कैसा बना क्या नहीं। मेरे को अजीब सा ना मतलब खांसी जैसा हो रहा है, जैसे खराश टाइप का नहीं होता है उस टाइप का हो रहा है। और कल मैं जाऊंगा अपने मामा के घर में तो और निक्की नहीं जाएगी। तो माधव देखो कैसे हंस रहा है, देखो माधव हंस कैसे रहा है, मुझे देख के हंस रहा है, हैं? मुझे देख के हंस रहा है। देखो कि माधव को डराऊंगा तो क्या करता कैसा है। माधव आय आय आय, मतलब नौटंकी वाला गुस्सा ना, मतलब डर। क्या क्या है, लोगों ने क्या क्या लगाया है ये? यार मैं खाली ना इधर ही आती हूँ और आके ना बस इधर ही देखती हूँ क्या फूल के पेड़ हो रहा है कि नहीं, हो ही नहीं रहा है क्या, मैंने गलत वक्त पे लगा दिया या कुछ और पता नहीं चल रहा है। कब होगा पता नहीं, कम से कम बहुत टाइम लग जाएगा ये होने में। तो इसमें देखो घास फिर से उग गया है, इसमें ना फिर से घास मारने वाली दवाई, ज्यादा करके घास मारने वाली दवाई दो ना, ये मर नहीं रहा है। बताए मर रहा है? नहीं मर रहा है। मर रहा है लेकिन ना ये जो बारिश हुआ है फिर से नीचे से उग गया है। नींद आ रहा है इसको फिर से, मतलब तो देखो कर क्या रहा है। नींबू का पौधा सही हो रहा है ना अब? नींबू का पौधा वहाँ पे जो है, क्योंकि ना अब यहाँ पे हम आग लगाते नहीं है, पहले आग लगाते थे तो ये पेड़ भी नुकसान होता था यहाँ पे, यहाँ से और नींबू वाले पेड़ भी नुकसान हो रहा था। अच्छा इसके अंदर से ना बड़े बड़े भांग का पेड़ छाटना पड़ेगा। यार एक बात बताओ, भतुआ साग दो तरीके का होता है क्या? वो देखो एक सफेद टाइप पे दिख रहा है कि लाल टाइप? अच्छा बीज हुआ होगा वो। ये सिर्फ बढ़िया ही होता है, फल नहीं होता है, फल नहीं होता है, फल नहीं होता है इसमें। कम से कम 10-12 साल हो गया इस पेड़ के। लेकिन ये वाले अमरूद के पौधे में वो पेड़ में होता है, एक दो बार तो हुआ था। चलो चाय हो गया अब तक। मैं सोची थी घर का ऑर्गेनिक धनिया रखूंगी पर देखो बारिश ने क्या कर दिया, सो गया सब। मम्मी पापा ना बहुत घूम रहे हैं, बहुत मजा मार रहे। देखो ये फूल को छूने की कोशिश कर रहा है लेकिन ना जाला लगा है। अंदर काफी काम पड़ा है यार, सोना नहीं है इसको, सोएगा तो फिर मैं बहुत सारा काम करूंगी। आओ दिखाती हूँ आपको। देखो ना इसने पॉटी तो नहीं किया, नहीं किया ना, नहीं किया।
ये देखो फूल, देखा फूल हो रहा है। कीड़ा है इसमें। कौन सा कीड़ा? मुझे गासी भूख लगी सी है। हाँ वो उससे कुछ नहीं होता, वो होता ही है। फिर भी अगर ये रुक गया ना तो सही है। रुकेगा ये, देखो फूल आ गया। जल्दी जल्दी वो करना पड़ेगा चारों तरफ, गिरा देना पड़ेगा। ये भी अचानक से क्या हुआ कि हम सभी मिलके खा रहे हैं, देखो आम पापड़। क्यों आपने आम पापड़ क्यों मंगवाया? याद आ गई मजा आता है। हाँ एक्चुअली कल जब हम नानक भट्टा गए थे तो वहाँ पे आम पापड़ खा रहे थे, बहुत मजा आता है। गाड़ी में कहीं जाओ ना सफर तो ये जरूर रख देना, एक रुपए का एक। देखो माधव भी खा रहे हैं चटपटा। बड़ी बनन जाए। हाँ बड़ी बनन जाए। और जो था आम शत तो बोलते हैं, उसमें अमचूर पाउडर वगैरह डाल दो, मसाला नमक। मेरा चाय रह गया और नीचे चाय अपना पी लिया है, और माधव ने ये नमकीन सारा नीचे गिरा दिया था। अभी शाम का काम काज करके मैं भी थोड़ा रेस्ट करने के लिए बैठ गई हूँ, तो सोचा था कि थोड़ा सोऊंगी मैं, लेकिन सो नहीं पाई। 5:30 बज गया था उस टाइम, और इधर माधव सोया है, उसको हमने जला के लिया है, हर कहीं से मैंने बंद कर दिया है, और एक अगरबत्ती भी जलाया साइड में मच्छर मारने वाला, तो मच्छर आएगा नहीं। और बस माधव सो जाए, वही मतलब कम से कम घंटा भर सो जाए, थोड़ा मैं अपने आप को थोड़ा रेस्ट कर लूँ। बहुत थक गई हूँ, पीछे आज बहुत सारे काम किए हैं मैंने, तो उसके पापा को मैंने बोला है थोड़ा माधव को आज पकड़ना जैसे तैसे, बहुत काम था। बहुत मैं बहुत सारा काम ऐसा भी है ना जो मैं आप लोगों को दिखा नहीं पाई, शाम का कुछ काम था वो भी नहीं दिखा पाई, बर्तन धोए काफ़ी कुछ, काफ़ी सारे काम थे। शाम के टाइम तो ऑलमोस्ट काम बढ़ ही जाता है मेरा, और माधव थोड़ा सो जाता है ना तो अच्छा लगता है कि चलो काम कर पाऊँगी। उसके पापा गए हैं दवाई लेने के लिए माधव के लिए, अभी तक आए नहीं, पता नहीं कब आएंगे। तो गाइज़ आप सबको मेरा ये ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं धीरे इसलिए बोल रही हूँ कि जहाँ साइड में माधव सोया है, और यहाँ इसलिए बैठी हूँ कि माधव उठता है ना तो मेरे को दिखाई देता है वो। तो चलो इस ब्लॉग को ही यहीं एंड कर देते हैं, तो फिर मिलेंगे एक नए ब्लॉग के साथ। बाय बाय, टाटा।